क्या प्रॉब्लम है भाई? तेरे को मेरे में कुछ और नहीं दिखता है क्या? यू लुक एट माई टैलेंट, यू लुक एट मी एज मी. अगर मैं सीमा गुंबर हूँ तो मेरे को सीमा गुंबर की नजर से देख प्लीज. मेरे को ये मत देख ये दिख रहा है वो दिख रहा है. दिख रहा है यार, जब तू घर में निक्कर में घूमता है, मार्केट में जाना है निक्कर में जाता है, शॉर्ट्स में जाता है, बमूडाज में जाता है. हम लड़कियां क्या तुमको ऐसे देखती है? नहीं, तुम नंगा भी घूमेगा तो भी नहीं देखेंगे. क्योंकि हमारा गुड आफ्टरनून एवरीवन. सबसे पहले तो मैं यहाँ आने के बाद, मतलब जब तक मैं यहाँ पहुँची नहीं थी, लेट मी टेक ऑफ माई ग्लासेस बिकॉज मुझे आँख से आँख मिलानी है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं. और अभी फैशन थोड़ी देर साइड पे रखते हैं और डजंट केयर हाउ डू आई लुक. बट आँख से आँख मिला के बात इसलिए करनी है क्योंकि ये बहुत ही दिल के करीब एक ऐसा मिशन है जिसको मैंने पहली बार सुना था. शायद मैं किसी कॉलेज में एज ए गेस्ट गई थी, किसी ने मुझे अपेयरेंस के लिए बुलाया था या कुछ प्रमोशंस के लिए. जब मैंने इन लड़कियों को देखा वहाँ पर ये सब करते हुए तो मेरे उस टाइम पे तो आई गॉट गूज बम्प्स, लाइक रोंगटे खड़े हो गए थे. बिकॉज ये चीज़ शायद हमारे जितने भी देश में लड़कियाँ रहती हैं, देश में क्यों पूरे जहान में जितनी भी लड़कियाँ चाहती रहती हैं, वो चाहती हैं ऐसा कोई मिशन हो, शुरू हो और जिससे वो लोग फ्रीली इस वर्ल्ड में, दुनिया में आए हैं, उसको एंजॉय कर सके. कि टुडे आई एम वेयरिंग एन आउटफिट. मैं ये आउटफिट भी आज क्यों पहन कर आई हूँ? मैं साड़ी में भी आ सकती थी, मैं किसी और आउटफिट में भी आ सकती थी, लेकिन स्पेशली मैंने ये चूज़ किया बिकॉज आई एम सेइंग मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ. तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? तेरे को मेरे में कुछ और नहीं दिखता है क्या? यू लुक एट माई टैलेंट, यू लुक एट मी एज मी. अगर मैं सीमा गुंबर हूँ तो मेरे को सीमा गुंबर की नज़र से देख प्लीज़. मेरे को ये मत देख ये दिख रहा है वो दिख रहा है. दिख रहा है यार, जब तू घर में निक्कर में घूमता है, मार्केट में जाना है निक्कर में जाता है, शॉर्ट्स में जाता है, बमूडाज में जाता है. हम लड़कियां क्या तुमको ऐसे देखती है? नहीं, तुम नंगा भी घूमेगा तो भी नहीं देखेंगी. क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारा जो दिल है, हम लोग अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग चीज़ है. भगवान ने जो बनाया ना, इससे स्ट्रांगेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं. औरत, औरत यानी कि लड़की जो बनी है. नौ देवियों को पूजा जाता है हमारे इस देश में, राइट? नौ देवियों को पूजते हैं हम, और उसी देवी जैसी समान औरत को, लड़की को, बच्चे को घर से बाहर निकलते इतनी गंदी नज़र से देखा जाता है. हमने देखा है मर्द लोग घर में जय माता दी करते हैं, पूजा करते हैं, घंटियां बजा रहे होते हैं, मतलब तो बहुत रिलीजियस होते हैं. घर से बाहर जाते ही जैसे कोई लड़की देखते हैं तो दे स्टार्ट चेकिंग इट आउट. What the hell? मतलब आप है, आपके दिमाग में है क्या? सो ये जो सोच है ना, ये सोच बदलने का जो इन बच्चों ने जो बेड़ा उठाया है, मैं उसको सलाम करती हूँ. एंड आई वुड लाइक टू यू नो कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम. दिस इज कमेंडेबल जॉब. आई वुड वॉन्ट एवरीबॉडी टू गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. यू नो व्हाट, जैसे मैंने एंटर किया तो साक्षी ने एक एक्ट किया था यहाँ पर, एक डांस परफॉर्मेंस के साथ एक एक्ट किया था. यू गाइज विल नॉट बिलीव, मैं उस टाइम पे बहुत मतलब रोने लग गई थी, मेरे आंसू निकल आए थे. बिकॉज ऑफ कि ये हम लोगों ने खुद झेला है, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है. हम लोग वो जो ग्लैमर वर्ल्ड से, ग्लैमर वर्ल्ड में आपको मालूम नहीं हर स्टेप पर आपको वो जो कास्टिंग काउच बोलते हैं वो हमें कितना झेलना पड़ता है. हम कितने लोगों को रोज बोलते हैं कि अपनी नज़र ठीक कर, अपनी नज़र ठीक कर, काम है हमारे पास, टैलेंट है उसको देख, अपनी नज़र ठीक कर. तो ये हम शायद एवरी डे हम ये झेलते हैं. और मैं खुद एक 18 साल की लड़की की माँ हूँ. तो जब मैंने साक्षी को एक्ट करते हुए देखा, मैं इतनी मतलब इमोशनल हो गई, रो पड़ी. क्योंकि मुझे हर रोज़ डर लगता है, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, अगर वो शाम को थोड़ा सा लेट हो जाती है तो मेरे को बिल्कुल ऐसे ही डर लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल सेफ होगी कि नहीं. एंड यू नो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग जो हर माँ के दिल में होती है जब उसकी बच्ची घर से बाहर निकलती है. और यही हम चाहे कितने भी बड़े स्टेटस में, ये हमारे भी दिल में होता है. क्योंकि हमारी बेटी भी, उसके पास भी हक है. हर किसी की बेटी के पास हक है खुलेआम जिंदगी जिए, बेखौफ जो गाना उस टाइम पे चल रहा था, बेखौफ जिंदगी जीना चाहते हैं हम लोग. शायद बचपन से मैं भी वैसी जीना चाहती थी. बट आई हैव ऑल्सो फेस लॉ स्ट्रगल्स, ऐसे ह्यूमिलेशंस मैंने भी बहुत झेले हैं, हैंडल किए हैं.
आज मैं अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर आई हूँ। मैं अपने बेटे को किस लिए लेकर आई हूँ? इसीलिए क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि बेटी को नहीं बदलना है, बेटे की सोच बदलनी है। सो बेटे की सोच बदलने के लिए मैं अपने बेटे को साथ में लाई हूँ कि उसको ये दिखाने के लिए कि बेटे आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, यू हैव द वर्ड्स, आप अच्छे से तमीज से उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, रिस्पेक्टफुली उसकी तारीफ कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सोच और अपनी नज़र को बदलो। एंड दिस इज द जर्नी, दिस इज द बिगिनिंग। यहाँ मैं अपने बेटे को इससे लेकर आई हूँ और मैं शायद बहुत 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 इंस्पायर्ड हूँ इन सब बच्चों का, ये सब मिशन देखकर, मेहनत देखकर। और मुझे एक चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी कुछ दिन पहले जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। साक्षी के साथ शायद आई थिंक हो गए मुझे एक महीना जुड़े हुए, क्योंकि हम लोग अभी जी टी वी फेम है, जी टी वी पर हमने शो किया तो लोग हमको सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो साक्षी ने मुझे बोला कि मैम आप एक वीडियो बनाइए और एक मैसेज कन्वे करना है। सो आई डिड दैट। उसके बाद हमने कहा चलो हम कुछ और भी कर सकते हैं। हमने एक शो, मेरा कल ही ख़त्म हुआ, तो आई थॉट कि चलो हम आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, वहाँ पर आके बात कीजिए। उस दौरान साक्षी ने मुझे बोला कि मैम हम लोग को ना स्पॉन्सर्स की प्रॉब्लम हो रही है, स्पॉन्सर्स, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा मिशन कर रहे हैं, ये बच्चे जा रहे हैं पूरे इंडिया में जाएंगे, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो शी वाज सेइंग कि मैम स्पॉन्सर्स की प्रॉब्लम हो रही है। आई सेड, मतलब मैं अपने आप से दिल में बोल रही थी यार इतना बढ़िया मिशन, इतना बढ़िया कमेंडेबल, उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसके लिए भी लोग आगे आके स्पॉन्सरशिप नहीं करते, पैसे मनी से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? वो मंदिर में जाकर आप 10,000 का कुछ चढ़ा आते हो, या आप कुछ लोगों को खाने पे बुलाते हो, घर में उनको खिला देते हो, और भगवान के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन एक इंसान के नाम पर आपके पास पैसे नहीं है स्पॉन्सर करने के लिए। और वो भी एक मतलब ऐसा मिशन जो कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत नाजुक, मतलब जिसे बोलते हैं ना, ये वैसा मिशन है, क्योंकि बेटी हर किसी के घर की जान होती है और उस जान को सवार कर संजो कर रखना हर किसी का काम है, और वो सब चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। तो मैं आज अपनी बेटी के अलावा जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सब के लिए ये मिशन को सपोर्ट करना चाहती हूँ। और साक्षी जी, नेक्स्ट टाइम आई विल गो विद यू टू द स्पॉन्सर, सो दैट हमारे नेटवर्क से जो लोग इतने पैसे फालतू में बर्बाद करते हैं उनको ये समझाएंगे कि ये बहुत कमेंडेबल मिशन है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी एक लड़की को, एक औरत को, और आगे वो बढ़ सकेंगी। कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक लेती है, कुछ करना चाहती है फिर रोक लेती है, या माँ बाप रोक देते हैं, उनमें टैलेंट होता है, माँ बाप इसके नाम पे नहीं नहीं तू इतनी रात को काम नहीं कर सकती, नहीं नहीं तू ये नहीं कर सकती, तू यहाँ नहीं जा सकती, तू अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, कितना टैलेंट वो बेचारी को अपना किल करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। सो आई वॉन्ट टू से साक्षी, मैं आपको राइट नेटवर्क से कनेक्ट करूंगी, मे बी मैं इतनी फिनेंशियली स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं आपको फिनेंशियली स्ट्रांग लोगों के साथ मिलवा कर आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट, नहीं उनको ऑर्डर करेंगे कि आपको सपोर्ट करें, आपके मिशन को स्पॉन्सर करें, और जो हमारा जितना भी पॉपुलैरिटी है या नाम है उसको हम आपके राइट मिशन में राइट तरीके से इन्वेस्ट करवा पाएं। सो दिस विल बी माई प्रोमिस एंड प्लेज टू साक्षी एंड द एंटायर टीम। एंड सेकेंडली मैं खुद मतलब आज के टाइम पर अपनी फैमिली को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रही हूँ, और मतलब बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर रही हूँ। मुझे आज तक कभी लगा नहीं कि अगर मेरे साथ कोई एक मेल का हाथ नहीं है तो मैं क्या करूँगी लाइफ में, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहती हूँ आज के टाइम पर हर औरत, हर लड़की वैसे ही सोचे कि आप अकेली ही बहुत हैं, यू डोंट नीड पीपल अराउंड, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, मतलब जितनी भी 9 देवियां हैं वो 9 देवियां आज के टाइम पर वो आप ही हो, मतलब भगवान को किसी ने नहीं देखा है, इंसान को देखा है तो वो हम ही है। सो वी कैन डू एनीथिंग इन एवरीथिंग, सो आई वुड से दैट यू कैन एज इन कोई भी लड़की, ये किसी भी लड़की के लिए लाइन है, दैट यू कैन मेक योर सेल्फ शाइन लाइक अ स्टार। आपको कोई नहीं चाहिए और आप अपने आप को खुद से स्टार बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, और बाकी दुनिया की टॉप टू बॉटम कर सकते हैं आप। सो दैट्स व्हाट माय मैसेज टू ऑल द गर्ल्स, एंड आई रियली कंग्रेचुलेट टू एवरीबॉडी हियर।
थैंक यू गर्ल्स फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी कही भी एक एक बात को ध्यान से सुना एंड हर एक बात को आपने बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने एक्सप्लेन करा एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस दिस मच. आप इतना, इवन आज करवा चौथ है, मैम का फास्ट है एंड मेरे बोलने पर वो यहाँ पे आई है अपना टाइम निकाल करके. थैंक यू सो मच मैम. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.